अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नाम है सलीम। इस लेक्चर से बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। आपको मालूम है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो हमारे पास टू मॉलिक्यूल पाइरूवेट के प्रोड्यूस होते हैं। एक पाइरूवेट मॉलिक्यूल तीन कार्बन एटम पे कंसिस्ट होता है। इसी वजह से एक सिंगल मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज का टूटता है तो दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल और दो ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। क्या ये एनारोबिक होता है या एरोबिक होता है? दोनों तरीके से ये रिएक्शन हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता ऑक्सीजन पे, दैट्स व्हाई एनारोबिकली भी ये हो जाता है। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों तरह के सेल्स में। हो सकता है हमारे बॉडी में कुछ सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रोसेस करते, लाइक रेड ब्लड सेल और लेंसेस, कॉर्निया वगैरह, तो वहां पे भी ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस इजीली हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये 10 स्टेप पे कंसिस्ट होता है और इसमें फाइनल प्रोडक्ट पाइरूवेट होता है। यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है, दैट्स व्हाई वी से इट ग्लाइकोलाइसिस। और एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूको मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज और न्यू मीन्स न्यू मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। जेनेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस, मीन्स यहाँ ग्लूकोन्यूजेनेसिस मीन्स प्रोड्यूस होना। किस चीज का प्रोड्यूस होना? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का प्रोड्यूस होना। जबकि ग्लाइकोलाइसिस क्या था? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना। तो सवाल ये है, क्या ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस एक दूसरे का रिवर्स है? जवाब ये, हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है और उन टेन स्टेप में से जो 7 स्टेप्स होते हैं वो रिवर्सिबल, जबकि 3 स्टेप जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो हरगिज उनके इरिवर्सिबल होने की वजह से ग्लूकोन्यूजेनेसिस रिवर्स नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस का। स्टार्ट करते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस, जो कि मैंने भी बताया कि 10 स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है। इसको आसान करने के लिए मैंने इन 10 स्टेप्स को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। 3 स्टेजेस को यहाँ पर डिफाइन करना चाहूंगी। जो पहली स्टेज होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेज, और इस स्टेज में हमारे पास होंगे टोटल 3 रिएक्शन। आपके पास टोटल 10 रिएक्शन थे, 3 रिएक्शन यहाँ हो गए, रिमेनिंग हमारे पास 7 रिएक्शन है। जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज स्प्लिटिंग स्टेज, जिसमें ब्रेक डाउन होता है, टूटते हैं मॉलिक्यूल। तो वो कितने स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है? 2 स्टेप्स यहाँ पे हो गए, 3 + 2 = 5। नाउ वी हैव 5 रिमेनिंग स्टेप। और जो स्टेप स्टेज नंबर 3 है हमारे पास, उसमें क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, यानी हमने पाइरूवेट बनाना है, 82 मॉलिक्यूल बनाने, वो इस लास्ट स्टेज में बन जाएंगे। और ये लास्ट स्टेज कंसिस्ट होगी 5 स्टेप्स पे। तो इस तरीके से 3 + 2 + 5, 10 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेज नंबर 1। हर स्टेज का एक टारगेट होगा, इसको जहन में रखिएगा। जो पहली स्टेज है उसका टारगेट ये है कि आपने बनाना है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। प्लीज कीप इट इन माइंड। स्टेप नंबर 1 हम शुरू करते हैं, जो कि पहली स्टेज का है। यहाँ पे 3 स्टेप्स हम कवर करेंगे। स्टेप नंबर 1, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉस्फोरिलेशन के मतलब क्या होते हैं? अटैच करवा देना फॉस्फेट मॉलिक्यूल को। फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। जिस मॉलिक्यूल पे जाके अटैच हो जाता है उस मॉलिक्यूल पे भी चार्ज आ जाता है, वो पोलर हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और हम एक एंजाइम है जिसे कहते हैं हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज की हेल्प से हम इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच करवाएंगे। हेक्सोकाइनेज का काम क्या है? हेक्सोकाइनेज का काम ये है, एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेना और दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैच करवा देना। खुद से कुछ नहीं करेगा, बस एक से लेगा और दूसरे को देगा। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है ATP मॉलिक्यूल, हमने इन्वेस्ट किया, जैसे कि स्टेज नंबर 1 का नाम है कि एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेज। तो यहाँ पे मैं एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि ATP है उसको इन्वेस्ट कर रही हूँ। एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है। हेक्सोकाइनेज ने इस ATP मॉलिक्यूल से, जिसके पास 3 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट लिया और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 6 पे अटैच करवा दिया। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कार्बन नंबर 6 पे अब फॉस्फेट मॉलिक्यूल आ चुका है, इसीलिए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब ज्यादा पोलर हो गया है। तो अब मैं इसे कहूंगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसके कार्बन नंबर 6 पे अब फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो चुका है। हमने इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इसको कन्वर्ट करने का रीजन क्या था? हमने इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्चुअली ट्रैप करना था। ट्रैप मींस, सपोज कर लीजिए कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये जो सर्कल है ये आपका सेल है। जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन होगा तो ये वेरी इजीली सेल मेम्ब्रेन को वापस क्रॉस करके बाहर भी आ जाता है। तो हमें इसे बाहर जाने नहीं देना, हम ये नहीं चाहते कि ये लीव कर ले सेल को। तो हम इसे ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप करने के लिए क्या करेंगे? हम इस पर चार्ज, इसको और
ज्यादा पोलर कर देंगे, इस पर चार्ज मॉलिक्यूल अटैच करवा देंगे, जो कि हम करवा चुके हैं, हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट उसको कर चुके हैं। तो अब इस पर फॉस्फेट आने की वजह से इजीली ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ट्रैप हो चुका है। दूसरा फायदा क्या हुआ इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का? दूसरा फायदा ये हुआ कि इसके स्ट्रक्चर में डिस्टेबिलिटी आ गई। डिस्टेबिलिटी क्यों आई? क्योंकि इस पर चार्ज आके, चार्ज मॉलिक्यूल आके अटैच हो गया। तो जैसे ही चार्ज जब ज्यादा हो जाता है तो स्ट्रक्चर में डिस्टेबिलिटी हो जाती है। अब जब स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी नहीं रहे, वो डिस्टेबिलाइज हो जाए, तो आसानी से हम उसको तोड़ सकते हैं। और ग्लाइकोलिसिस, जो कि नाम से शो हो रहा है कि हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना है, ठीक है, तो अब ये डिस्टेबिलाइज हो गया, इजीली हम इसको तोड़ सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि ध्यान में रखिएगा कि स्टेज नंबर 1 का टारगेट है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारे पास जो सब्सट्रेट है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमने इसकी कुछ नहीं करना, फॉर्म चेंज करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। हम इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन भी कहते हैं। एक आइसोमर एंजाइम होगा, आपने एपिमर्स का लेक्चर लिया होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके उसे सुन सकते हैं कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, वहां काफी डिटेल में मैंने इसे समझाया था। तो हम क्या करेंगे आइसोमर, इसकी फॉर्म चेंज करने के लिए आइसोमर एंजाइम पे डिपेंड करते हैं। एंजाइम जो हमारे पास है यहाँ पे दैट इज फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। इसका नाम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज क्यों है? क्योंकि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इस पर ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और इसमें क्या करना है आइसोमरेज, यानी इसकी फॉर्म चेंज करनी है। तो दैट्स व्हाई वी से इट फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया गया इंटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी उसको एल्डिहाइड से कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अब है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। पहले स्टेप में हमने क्या करवाया? पहले स्टेप में हमने फॉस्फोरिलेशन करवाई, यानी फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच करवा दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने? फॉर्म चेंज करवा दी, यानी उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? फिर से फॉस्फोरिलेशन करवा देंगे, यानी मजीद एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे फ्रक्टोज के पास ऑलरेडी कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो हमने इस दफा जो एंजाइम यूज करना है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि यहाँ जो सब्सट्रेट है अब मेरे पास वो ग्लूकोज नहीं बल्कि फ्रक्टोज है, और ऑलरेडी उस फ्रक्टोज के पास कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। तो इसी वजह से जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा उसका नाम देखिएगा फॉस्फो, बता रहा है कि उसके पास फॉस्फेट है। कौन सा ग्रुप है वो, कौन सा मॉलिक्यूल है वो? फ्रक्टोज है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अगेन काइनेज का काम आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेना और दूसरे को दे देना। तो यहाँ पे फिर से वही एटीपी मॉलिक्यूल हम इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ इसके पास 3 फॉस्फेट है। तो ये क्या करेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इस एटीपी मॉलिक्यूल में से 3 में से एक फॉस्फेट लेगा और उस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट को अटैच करवा देगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बन गया है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। दो इसके पास फॉस्फेट आ गए, एक कार्बन नंबर 1 पे है और दूसरा कार्बन नंबर 6 पे है। हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टेज नंबर 1 का टारगेट क्या होगा, हमने बनाना होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये स्टेप जो होता है ये कमिटेड स्टेप होता है, यानी इससे पहले भी कंफर्म नहीं होता कि ये ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजन बनेगा या क्या होने जा रहा है। उस वक्त तक क्लियर नहीं होता कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा भी या नहीं भी होगा, बट एक मर्तबा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाए तो नाउ इट इज कंफर्म कि अब जो आगे प्रोसेस होगा वो ग्लाइकोलाइसिस का ही होगा, ठीक है, ये प्रोसीड करेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। हमारे तीनों स्टेप स्टेज नंबर 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टेज नंबर 1 का प्रोडक्ट फाइनल, हमने जो टारगेट अचीव करना था वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, वो हम अचीव कर चुके हैं। तो अब हमारे पास है स्टेज नंबर 2, और स्टेज नंबर 2 सिर्फ कंसिस्ट करती है 2 स्टेप्स पे, और इसमें जो हमारे पास टारगेट होगा वो होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको ध्यान में रखिएगा, अगेन गैप हमने बनाना है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे गैप कहते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कंटिन्यूटी में बात हो रही, 3 स्टेप हम कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ स्टेज नंबर 2 के स्टेप नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? जैसे कि बताया था कि स्टेज नंबर 2 में कुछ नहीं होगा, जस्ट ब्रेकडाउन होगा, जस्ट स्प्लिटिंग होगी मॉलिक्यूल्स की। तो आपके पास क्या है? आपके पास है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब आपने इसको ब्रेक करना है, तोड़ देना है। देखिए, इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो हम डिपेंड करते हैं वो होता है एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है? क्योंकि ये 6 कार्बन पे कंसिस्ट है एज यू कैन सी हियर, तो 3 इसको सपोज कर लीजिए, यहाँ पे ये 6 कार्बन है, तो आप यहाँ देखिएगा कि 3 कार्बन डिफरेंट कलर से हैं और यहाँ पे 3 कार्बन जो है वो यहाँ पिंक कलर से शो हो रहे हैं। तो अब एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा? इक्वल अमाउंट में 3 ऊपर और 3 नीचे इसको यहाँ सेंटर से कट कर देगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे और दोनों मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन पे कंसिस्ट होंगे। पहला मॉलिक्यूल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएचएपी भी कहते हैं,
और जो दूसरा मॉलिक्यूल हमने बनाया दैट इज गैप, और आपको याद होना चाहिए कि मैंने कहा था इसको जहन में रखिएगा कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है, अगली स्टेज को लीड करने के लिए हमें ये चाहिए था और ये बन चुका है। तो अब ये गैप जो है वो अगली स्टेज पे यानी लास्ट स्टेज दैट इज स्टेज नंबर 3 उसमें लीड करेगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस डीएचएपी का क्या होगा, हमें तो डीएचएपी चाहिए ही नहीं था, हमें तो एल्डिहाइड फॉर्म, इन दोनों में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 3 के पास है और वहां जो फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 3 के पास नहीं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और वो कीटोन ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि एसीटोन, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो हमने ये करना है जो इस स्टेज का, जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टेज दो स्टेप्स पे कंसिस्ट है, पहला स्टेप तो हो गया है, तो दूसरा स्टेप जो होगा उसमें हम ये करेंगे कि इस डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म चेंज कर देंगे, उसको हम कीटोन से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी डीएचएपी को हम गैप में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे शो हो रहा है, तो क्या हुआ, अगेन वही आइसोमेराइजेशन, अगेन वही ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है और हमने क्योंकि ये 3 कार्बन पे कंसिस्ट है, 3 के लिए हम यूज करते हैं टर्म ट्राई, तो यहाँ पे आपके सामने है ट्राइओस फॉस्फेट, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास फॉस्फेट भी है, तो ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से हमने डीएचएपी को कन्वर्ट कर दिया है इनटू गैप। जैसे गैप में कन्वर्ट हो गया, अगेन हमारा टारगेट अचीव हो गया है और अब हम लीड करेंगे स्टेज नंबर 3 को। स्टेज नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।